नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद आज प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल समक्ष बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के डीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण कार्यों को मुनादी कराने के साथ ही नोटिस दिया जाएगा और उसी दिन से पिलर बंदी भी की जाएगी। प्रशासन और रेलवे द्वारा 78 एकड़ भूमि पर 4,300 से अधिक घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाना है और इसमें हजार लोग प्रभावित होंगे, लिहाजा अतिक्रमण हटाए जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। और इसके अलावा अतिक्रमण क्षेत्र में ड्रोन कैमरे और वीडियो कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। हाई प्रोफाइल बैठक में पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले मुनादी की जाएगी, फिर नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद पिलरबंदी होगी। इसके बाद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं रेलवे की तरफ से आए डीआरएम विवेक गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय बैठक में पूरा प्लान बना लिया गया है। कानून व्यवस्था बाधित ना हो और इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और देखिए, इसमें हाईकोर्ट के भी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवे की लैंड है उसमें जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शन रेलवे को ये कि इस पे आप अपना कब्जा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए कि एक हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी रेलवे की ओर से भी उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की डिमांड हमारे पहले से भी जा चुकी है और शासन स्तर पे जो भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल फोर्स है वो आगे की है और डिमांड जब तय हो जाएगी उससे दो दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है सेक्टर और डिमांड बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 4,500 सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक ली गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। सर, कितनी जमीन है, कितने घरों में से अतिक्रमण हटा है? जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया जाए।